हे फैम व्हाट्सअप। सो गाइज वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। और एक और वीडियो लेके आ चुके हैं आपके लिए BS6 आपेगी। और इस गाड़ी में है एक जो स्कैम से रिलेटेड वीडियो थी, वही इस गाड़ी में स्कैम हुआ। ये भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं, इन्हीं के साथ स्कैम हुआ। एक कंपनी में गाड़ी गई थी और उसी में स्कैम क्या हुआ कि इन्होंने एक जो सेंसर है उसको चेंज करने के लिए ये कंपनी में गई थी गाड़ी। जैसा कि इसमें प्रॉब्लम ये थी, एक्सीलेटर में कम ज़्यादा करती थी, तो कंपनी जाके इन्होंने टेस्ट कराया। और टेस्ट कराने के बाद उन लोगों ने बताया कि भाई इसका रेल प्रेशर सेंसर ख़राब है। ठीक है, तो रेल प्रेशर सेंसर आ रहा था इसका काफ़ी महंगा, तो कंपनी वाले लड़कों ने इनसे बोला कि भाई एक काम करिए, आप मतलब आधे पैसे हमें दे दो 3,000 और हम उस सेंसर को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अब ये लालच तो बुरी बला है, ये लालच में आ गए। 6,000 का काम 3,000 में हो रहा था। ठीक है, तो भाई ने क्या करा कि उनने 3,000 से तोड़ करके 2,700 रुपये कुछ शायद इनसे लिए। ठीक है, और उन्होंने रेल प्रेशर सेंसर की बात करी थी, मगर इसका सेंसर जो है वो चेंज नहीं हुआ। सिर्फ एक ये वाला कपलर जो था, ये कपलर चेंज करा। और इसी को इन्होंने बताया कि भाई ये ही सेंसर है इतना बड़ा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इतना बड़ा कपलर खाली चेंज हुआ। और कपलर को इन्होंने बताया कि भाई ये जो है ये सेंसर आप गाड़ी वाला नया था, उसको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने सोचा भाई यही सही है, सेंसर चेंज हो गया, ये कपलर बदल दिया और गाड़ी का फॉल्ट ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर इन्होंने जब बिल बनवाया, अब बारी आती है आपके बिल की, तो बिल देख सकते हैं आप, बिल में साफ साफ लिखा हुआ है रेल प्रेशर सेंसर का कपलर। ये 411 MRP 348 रुपये का दिया इन्होंने को, और बाकी लेबर चार्ज वगैरह वो सब अलग था। तो अगर ये सेंसर चेंज होता तो सेंसर का बिल होना था इनके पास, और जुगाड़ में भी अगर इन्होंने सेंसर चेंज कराया तो भी इस कपलर का बिल नहीं होना था, क्योंकि देख सकते हैं आप, इसका जो रेल प्रेशर सेंसर का कपलर है वो साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई ये कपलर ही चेंज हुआ है। बाकी ये सामने रहे उनके और इन्होंने देखा कि यही कपलर चेंज हुआ था सिर्फ, मगर इनको मालूम नहीं था कि ये कपलर नहीं होता, वो सॉरी ये सेंसर नहीं होता, सेंसर होता है आपका ये तो खाली एक कनेक्टर है जो वायरिंग को सेंसर से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो यही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, इस चीज़ से बच के रहें। कंपनियों में स्कैम ये हो रहा है, कंपनी वालों को मालूम नहीं होता कि लड़के क्या कर रहे हैं, लड़के साइड बिजनेस, सर्विस सेंटर में जो लड़के रहते हैं वो साइड बिजनेस करने की चाहत में कस्टमर को बेवकूफ़ बना देते हैं। कंपनी को कुछ मालूम नहीं होता सर्विस सेंटर वालों को कि भाई लड़के क्या कर रहे हैं, लड़के दो तीन लड़के मिलके आपस में, और ऐसे जो कमज़ोर ऑटो वाले जिनको मालूम नहीं है इस वायरिंग से रिलेटेड या किसी मैकेनिकल से रिलेटेड, उनको निशाना बना लेते हैं और अच्छे पैसे कमा लेते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं भाई से कि उनके साथ कैसा क्या हुआ। सो ये हमारे गाड़ी वाले भाई, और बात करते हैं, जानते हैं कैसा क्या हुआ था। हाँ भाई बताइए क्या हुआ था। ये गाड़ी चलते चलते झटके ले रही थी, जल्दी झटके ले रही थी, तो इसको फिर हम टोचन करके ले रहे। हाँ, लाइट जलने लगी थी इसके सेंसर। हाँ, तो बोले ले गए सर्विस सेंटर, तो बोले भैया डीजल फिल्टर चेंज होगा, हाँ में कचरा आ गया, हाँ ये सब करना पड़ेगा। हाँ, तो सब चेंज करने के बाद बोले भैया आपका सेंसर चला गया। हाँ, उनने मुझसे बोला है, बोले ये सेंसर है। हाँ, इसको मैं डाल रहा हूँ। हाँ, इसको तुम्हें मतलब ये बताया कि ये सेंसर है। हाँ, ये सेंसर है। आपको मालूम नहीं था कि ये सेंसर है या कपलर है? मेरे को नहीं पता कि क्या चीज है। हाँ, लेकिन जब मैं यहाँ आया, हाँ भोपाल में जब मैं एक दो लोगों से मिला, तो उन्होंने बोला ये तो कपलर है, कपलर है, सेंसर नहीं है। सेंसर इसका जो रहता है, सेंसर रेल प्रेशर का ये वाला रहता है, और तो ये खाली एक कनेक्टर है, ये सब चीज तो खुले ही नहीं। हाँ, मैंने कहा बस ये खुला था। हाँ, बाकी तो सब कुछ यही है। तो क्या मतलब वहाँ पे बातचीत क्या हुई थी, उन लोगों ने क्या बोला आपसे कि सेंसर डाल रहे हैं या सेंसर? हाँ, कितने का आ रहा था? यही बताया था कि हाँ, सेंसर डाल रहा है। हाँ, तो ये सेंसर कितने रुपए आपसे लिए? 2,800 रुपये। मतलब ये कंपनी का बिल हटा के या फिर मिला के? नहीं, बिल हटा कर। कंपनी का जो बिल था इसमें कपलर का प्राइस इन्होंने साफ साफ लिखा है, वो कंपनी का बिल भी दिया और 2,800 रुपये उन्होंने अलग से नगद ले लिए इनसे। तो
मतलब पछतावा तो हो रहा है आपको क्योंकि थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में और 6,000 का काम उन्होंने जैसा बताया कि 3,000 में होगा तो ये फंस गए। क्या ये गाड़ी वाले नए थे, इनको किसी भी चीज़ की मालूम नहीं थी, इस वजह से ये फंस गए। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे, कंपनी वालों को भी खुद नहीं मालूम कि लड़के क्या कर रहे हैं। वहाँ पे लड़के आके आपसे बोलते हैं कि भाई 6,000 का काम हम इतने में सस्ते में करा देते हैं। तो यही थे एक भाई हमारे जिनके साथ ये स्कैम हुआ। सो गाइस, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और फिर मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।